वो सरकार प्रायोजित हत्या थी, वो सरकार की गोद में पल रहे देश के सबसे बड़े माफिया सरगना को बचाने का एक प्रयास। लोकसभा चुनाव से संजीवनी मिली और उपचुनाव आते आते माफिया मुख्तार का जिन्न जाग उठा। सवाल उठने लगे कि क्या मौत के 6 महीने बाद कब्र से मुख्तार अंसारी बोल उठा। आखिर यूपी में हो रहे उपचुनाव के बीच मुख्तार की मौत की मनगढ़ंत फाइल क्यों बनाई जा रही है, और ये फाइल भी कोई और नहीं बल्कि मुख्तार के बड़े भाई और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी बना रहे हैं। आरोप सीधा सीधा योगी सरकार पर लगा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत को हत्या बता रहे हैं, सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या। हमने उस समय भी कहा था कि वो सरकार प्रायोजित हत्या थी, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुख्तार की हत्या हो जाए, उसका दूसरा एक अर्थ था, वो सरकार की गोद में पल रहे देश के सबसे बड़े माफिया सरगना को बचाने का एक प्रयास था। दरअसल जिस मामले का जिक्र माफिया मुख्तार अंसारी के भाई कर रहे हैं और जिस केस में गवाही की बात कर रहे हैं, वो मामला साल 2001 का है, जब मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें मुख्तार के सरकारी गनर समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था, जिसमें मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी। अफजाल अंसारी का दावा है कि अगर ये गवाही हो जाती तो ब्रजेश सिंह को सजा होनी तय थी। उसके विरुद्ध जो मुकदमा है मुख्तार अंसारी की गवाही के बाद, अब उसके भविष्य को कुछ कहा नहीं जा सकता था, वो कानून उसको दंड दे देता, तो उस केस के सारे गवाहों को तो मुलजिम बना के एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। अफजाल अंसारी ने भले ही खुलकर नाम ना लिया हो, लेकिन उनका सीधा सीधा इशारा ब्रजेश सिंह की तरफ था, क्योंकि मुख्तार की मौत से पहले भी अफजाल अंसारी ने ऐसा ही बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का बाकायदा नाम लिया था। ब्रजेश सिंह जो हैं, उनके खिलाफ 15 जुलाई 2001 में जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था, तो उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त बना करके त्रिभुवन सिंह ब्रजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें गवाही चल रही है। तो हालत खराब यह है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है, उसमें 5-6 गवाह गवाही कर चुके, तो उससे पहले कि उनकी गवाही हो जाए उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए। माफिया मुख्तार अंसारी और बाहुबली ब्रजेश सिंह के बीच अदावत 2 दशक से लंबी चली। हालांकि शुरुआती दौर में दोनों के बीच सीधी रंजिश नहीं थी, दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन बाद के सालों में हालात बदले और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। ब्रजेश सिंह साहिब गैंग का मेंबर था, तो माफिया मुख्तार अंसारी मकनू गैंग का मेंबर। दोनों का गैंग अलग, दोनों की कोई आपसी अदावत नहीं, फिर भी आखिर वो क्या वजह रही जिसने दोनों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। उस जमाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो नहीं था, तो मुख्तार अंसारी मऊ की सभाओं में कहता था कि कौन कहता है कि मैं केवल मुसलमानों का हूँ, हिंदू भी मेरे अपने हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि एक ही आदमी से मेरी अदावत है, अब वो भारी पड़ेगा तो मुझे मार देगा या तो मैं उसे मार दूंगा। मुख्तार का यह इशारा ब्रजेश सिंह की तरफ होता था। बताया जाता है कि मुख्तार के साथी साधु सिंह के गैंग के पांचू सिंह ने एक जमीन विवाद में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या कर दी। साधु सिंह मुख्तार अंसारी का साथी था, इसलिए ब्रजेश सिंह ने मान लिया कि उनके पिता की मौत के पीछे उसका ही हाथ है, और बस यहीं से ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी को अपना दुश्मन मान लिया। पिता की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह ने बदला लेने का पूरा खाका तैयार किया। दोनों के बीच की अदावत की वजह तब शुरू हुई कि दोनों अपने अपने गिरोह के गैंग लीडर हो गए और सीधे सीधे टकराव होने लगा। वर्चस्व की लड़ाई थी, मुख्तार जहां गाजीपुर से बनारस में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था, वहीं ब्रिटिश बनारस और आसपास के जिलों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। टकराव उधर मुख्तार का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा था। वो खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताकर गरीब युवाओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होने लगा।
इसी दौरान आजमगढ़ के तरवा इलाके में एक ही दिन में 7 लोगों की हत्या की गई। इस केस में बदले की आग में जल रहे बाहुबली बृजेश सिंह का नाम सामने आया। ये ठाकुरों की आपसी लड़ाई थी, लेकिन इसके बाद ये तय हो गया कि पूर्वांचल में दो ही गुट रहेंगे, बृजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग। अब पूर्वांचल में ठेकेदारी की लड़ाई नाक का सवाल बन गई। कहा जाता है कि बनारस से इलाहाबाद तक बृजेश सिंह का सिक्का चलता था, लेकिन जैसे ही गाजीपुर और मऊ का इलाका शुरू होता तो मुख्तार की तूती बोलने लगती। ऐसे में हमेशा गैंगवार की आशंका बनी रहती थी और इसमें कई लोगों की जाने भी गईं। साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। उसी दिन साधु सिंह के गांव मुदियार में हमला हुआ और उसके भाई और मां समेत 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मुदियार गांव में दो परिवार आपस में जबरदस्त दुश्मनी लेकर चल रहे थे, उनके बीच हत्या का प्रयास और तमाम तरह के आपराधिक तनाव और घटनाएं थीं। लेकिन उन्हीं दो परिवारों की वजह से पूरे पूर्वांचल में दो गैंग बने। 1985 में हत्या का आरोपी बना बृजेश सिंह, अगले दो दशक में पूर्वांचल का डॉन बन चुका था। तमाम तरह के मुकदमों में उसका नाम आने लगा, लेकिन उसके सामने मुख्तार अंसारी एक बड़ी रुकावट बनने लगा था। वर्चस्व की लड़ाई में दोनों गैंग कई बार आमने सामने आए, दोनों तरफ से कई हत्याएं हुई। बृजेश सिंह 1986 में पुलिस कस्टडी में अस्पताल से भागने के बाद कई साल तक दुनिया और पुलिस की नजर से गायब रहा। ऐसे में बृजेश सिंह को अपना प्रभुत्व बचाए रखने के लिए एक नए चेहरे की जरूरत थी और वो कमी पूरी कर दी कृष्णानंद राय ने। क्राइम वर्ल्ड में अपना सिक्का जमाने के बाद बृजेश और मुख्तार दोनों ही राजनीति में अपनी जमीन तलाशने में जुट गए। एक तरफ मुख्तार अंसारी ने मऊ से 1996 में विधायकी का चुनाव जीता, तो दूसरी ओर पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहे बृजेश सिंह ने अपने बड़े भाई उदयभान सिंह को चेहरा बनाकर राजनीति में उतारा। बीजेपी का हाथ थामते हुए उदयभान सिंह 1998 में MLC बने, यानी अब वर्चस्व की लड़ाई राजनीति के मैदान में भी होनी तय थी। यहाँ भी बृजेश गुट अंसारी परिवार को हराना चाहता था, लेकिन मऊ में ये आसान नहीं होने वाला था। लेकिन गाजीपुर में इसकी संभावना तलाश ली गई, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी सिर्फ 10% ही थी। साल 2002 में कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद से अफजाल के खिलाफ खड़े हुए थे और वो जीत भी गए थे। कहा जाता है कि उसी दिन से मुख्तार की आंखों में खटकने लगे थे कृष्णानंद राय, और कृष्णानंद राय ये जानते थे कि उनकी जान को खतरा है और इसी वजह से वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करते थे, और इसलिए मुख्तार ने उनको मारने के लिए सेना के भगोड़े से करीब 1 करोड़ रुपए की AMG खरीदी थी। कुल मिलाकर दोनों की अदावत क्राइम से लेकर राजनीति तक चलती रही। 22 साल की फरारी के बाद 2008 में बृजेश सिंह को ओडिशा से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बृजेश सिंह के खिलाफ 30 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे, लेकिन ज्यादातर केस में गवाह पलट गए। धीरे धीरे मुकदमों में बृजेश सिंह को राहत मिलती रही। इसका नतीजा ये रहा कि 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बृजेश सिंह को जमानत दे दी। उधर मुख्तार अंसारी, जिस पर कुल 65 मामले दर्ज थे, उसकी क्राइम कुंडली की फाइल एक के बाद एक खुलती चली गई, और यूपी में योगी सरकार के आते ही माफिया राज की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आखिरी वक्त में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई, तो परिवार ने स्लो पॉइजन देने का आरोप लगा दिया। सरकार पर साजिश के तहत हत्या का आरोप भी लगाया गया। अफजाल अंसारी के इस आरोप पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। अफजाल अंसारी बौखलाए हुए हैं, बौखलाए इसलिए हुए हैं कि जो आरोप वो लगाते थे कि मुख्तार को जहर देके मारा है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, वो स्वाभाविक मौत में अत्याचारियों का अत्याताइयों का अंत हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से अपराधियों, माफियाओं और गुंडों मवालियों पर कठोरतम कार्रवाई हो रही है, इससे बौखलाए हुए हैं। ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप सरकार में लगातार ये बात देखने को मिली है कि जेल में हत्या हो जाती है, जहर दे के हत्या हो जाती है, मीडिया के कैमरे के सामने हत्या हो जाती है, जज की अदालत में हत्या हो जाती है, और दुहाई किसकी देते हैं? लॉ एंड ऑर्डर अच्छे होने की। तो निश्चय ही किसी एक गैंगस्टर माफिया को बचाने के लिए एक जेल में बंद
इतने बड़े नेता को जो तमाम लंबे समय तक राजनीतिक पदों पर रहे। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स किसी को ना तो चैन से जीने देती है और ना ही मरने देती है। शायद इसीलिए मुख्तार का जिन भी रह रहकर बाहर निकल जाता है, खासकर चुनावी माहौल में। वाराणसी से आशुतोष सिंह और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।